प्राणी वो भी परमात्मा से भिन्न नहीं है, उनकी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है, उनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। भीतर भी बाहर भी और उपाधि आदि मान लो उनकी भी स्वतंत्र सत्ता नहीं, वो भी परमात्मा ही है। सारे भूत प्राणी भीतर भी है बाहर भी है उपाधि वो भी हुई, फिर कहोगे आप पता क्यों नहीं चलता? जब परमात्मा भीतर है बाहर है समय उत्पर तो अभी पता क्यों नहीं चला? का सूक्ष्मत्वा तदा विज्ञेयम् तत् सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञेयम्। सूक्ष्म होने कारण अभिज्ञे है। दूरस्थम चांत के जतत् दूर से दूर है और पास से पास है, सूक्ष्म होने कारण अभिज्ञे है। देखो जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उतनी पकड़ में कम आती है। पृथ्वी है मोटी मोटी है, इसको आप आंख से देखते हो और पकड़ सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, लेकर चलो कहीं भी। और जल उससे सूक्ष्म है तो पानी को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता, बर्तन रखना पड़ता। और अग्नि उससे सूक्ष्म है, पानी को तो बर्तन रख लो अग्नि कैसे ले जाओ, फिर भी अग्नि दिखाई पड़ती है। हवा उससे सूक्ष्म है, बहुत कठिन का हवा पकड़ना, बड़ा कठिन का। चलो किसी तरह से आप टीवी भर भी लो, वो गुब्बारे में भर भी लिया और आकाश उससे सूक्ष्म, वो तो भरने का किसी जगह उपाय नहीं। और उससे सूक्ष्म माया और उससे सूक्ष्म परमात्मा है। भौतिक जगत में वैज्ञानिक कहते सबसे सूक्ष्म अणु परमाणु है, परमाणु को सबसे सूक्ष्म माना गया कि भाई परमाणु सबसे सूक्ष्म है। लेकिन उस परमाणु को भी वैज्ञानिक के ऐसे यंत्र हैं जिनसे देखा भी जा सकता है और उसका विस्फोट भी किया जा सकता है, लेकिन परमात्मा तो उससे भी सूक्ष्मतम है। ना तुम्हारे कोई करण काम करते हैं, ना इंद्रियां आंख ना कान मन बुद्धि मन पहुंचते हैं, और कोई वैज्ञानिक यंत्र भी नहीं पहुंचते, सूक्ष्मतम है। कम से कम परमाणु का देखा जाता है यंत्रों द्वारा, परमात्मा सूक्ष्मतम है, कोई यंत्र काम नहीं करते। संसार से शरीर से इंद्रियों से मन से बुद्धि से सबसे सूक्ष्म आपका अहम है, लेकिन अहम को कोई भी यंत्र वैज्ञानिक नहीं देख सकते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें तो पता है अपने अहम का, अपने होने का तुम्हें तो पता है कि नींद में या समाधि में मुझे मेरे होने ख्याल नहीं था, लेकिन परमात्मा तो उस आम से भी सूक्ष्म है। तो परमाणु का विस्फोट कर दे उसको विज्ञान कहते हैं, और अहम का विस्फोट कर दे उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। परमाणु का विस्फोट होने से बड़ी भारी ऊर्जा बड़ी शक्ति पैदा होती है जो दुनिया भर को जला के राख खा कर दे, और अहम का विस्फोट हो जाए तो ब्रह्म बोध पैदा होता, ब्रह्म ज्ञान पैदा होता। तो सूक्ष्मतम है, इसे पता क्यों नहीं चलता? परमात्मा सूक्ष्मतम है। दूरस्थम चांत केज तत् दूर से दूर है और पास से पास है। कितनी दूर है? इतनी दूर है कोई भाग खड़ा हो कि भगवान को छोड़कर हम चले जाएंगे स्वतंत्र, तो कितने दूर भागो, कितने दूर भागो, कितने दूर भागो। लेकिन परमात्मा वहां पहले पहुंचा होगा। कोई भाग जाए यहां से भाग जाए, चलो इस लोक से भाग जाए, स्वर्ग चला जाए और किसी लोक धाम कहीं पहुंच जाओ, तो कितना भागो, दूर से दूर जितना दूर पहुंच जाओ पहले आपको मिलेगा। अब पास से पास, कितना पास है? इतना पास है कि तुम्हारे पास और कुछ पास है नहीं। दूसरा दूर अज्ञानी इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है, करोड़ों जन्म लग गए अभी तक हवा नहीं लगी, सदियों से जी भटकता है चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर पर जीना इसे ना आया, मरना इसने करोड़ों जन्म लग गए अभी तक परमात्मा की छह नहीं मिली। लोग कहते इतना जीवन निकल गया अभी लगते नहीं भगवान है भी कि नहीं है, परमात्मा को अत ही पता नहीं। अब ज्ञानियों इतना पास है, इतना पास है, इतना पास है, खुद खास है संसार। सूर्य चांद तारे पेड़ पौधे पहाड़ी तुमसे दूर है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी वो भी तुमसे दूर है, शरीर भी तुमसे दूर है, इंद्रियां तुमसे दूर हैं, मन भी तुमसे दूर है, कभी होता कभी खोता,
बुद्धि तुमसे दूर है, कभी होती कभी मिट जाती। बुद्धि भी तुमसे दूर, चित्त भी दूर, अहंकार भी कभी होता कभी वो भी नहीं होता, लेकिन तुम इतने पास खुद खास वही हो, इतने पास हो कि तुम्हारे सिवाय कुछ है नहीं। तो भगवान कहते दूर से दूर है और पास से पास है, इतना पास है दूर भी और पास भी। इस श्रुति कहती है, वेद कहता है, परमात्मा कैसा तत् एजत् तन्नैजत् तद्दूरे तदंत के तदंतर सर्वस्य तत्सर्वस्य बाहिता। तत् एजत् तत्न एजत् तद्दूरे तदंत के तदंतर सर्वस्य तत्सर्वस्य बाहिता का तत् एजत् तो परमात्मा चलता है। मित्रन का तत् न एजत् का परमात्मा नहीं चलता है। तद्दूरे वो परमात्मा दूर है, तदंत के परमात्मा के सबके अंदर है, तत्सर्वस्य सबके बाहर है। ये कौन सी विधि हुई? ये अगर इस ब्रह्म विद्या को समझता न हो तो ये पागलपन की बात का परमात्मा चलता है फिर नहीं चलता है। अगर आपसे पूछे तुम चल रहे हो कि स्थित हो, तुम कहते तुम्हारा चल रहा हूं या आपको मैं बैठा हूं खड़ा हूं लेटा हूं, अलग बात। बैठा हूं चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, लेकिन कोई कहे अब तुम पूछो चल रहे हो कि नहीं, कहा आपको हम चल भी रहे नहीं भी चल रहे, ये कौन सी बात है? पूछा भीतर होगी बाहर, तुमको भीतर भी है बाहर भी तो गड़बड़। अरे भीतर भीतर हो गए ठीक है, बाहर तो बाहर हो गए, पास हो गए दूर, तुमको पास भी है और दूर भी है, तो लोग कहीं दिमाग खराब हो गया। अरे एक बात बताओ, पास है दूर, एक पास करो नीचे कि नहीं पास भी दूर भी, भीतर हो गई बाहर कि भीतर भी बाहर भी, तेजा तन जा तदूर तदंत के तदन सर सर्वस कहो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। ये बड़ी विचित्र बात, एक कैसा परमात्मा, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिदनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता जोगी, परस नैन बिन देखा, ग्रह ग्रहण बिन वास सीखा, अस्तभ भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। कैसा परमात्मा है, बिन पद चले सुने बिन काना, बिना पैरों के चल लेता है, सुने बिन काना बिना कानों के सुन लेता, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिदना, बिना हाथ के नाना प्रकार कर्म कर लेता है, आनंद रही सकल रस भोगी, बिना मुख के सारे रसों को भोग लेता है, और बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी, और उसके पास बाणी नहीं है फिर भी बड़ा भारी वक्ता है। तन बिन परस नैन बिन देखा, शरीर के बिना स्पर्श कर लेता है, बिना आंखों को देख लेता और बिना नाक के सारे गंध ग्रहण कर लेता, असब भांति अलौकिक करने महिमा जास जाने बनी। बड़ी अलौकिक कथा, ये महिमा करना बड़ा कठिन काम, बिना पैरों को चल लेता, सब कुछ कर लेता और पैर है नहीं। ये सत्य की परमात्मा की पूर्ण रूप से जानने, हम एक अंग एक अंग को पकड़ लेते, भीतर है तो बाहर नहीं, बाहर है तो भीतर नहीं, दूर है तो पास नहीं, पास है दूर नहीं, ऐसा विराट परमात्मा उसको एक भाग में बांट नहीं सकते, खंडित नहीं कर सकते, अखंड है, खंडित हम कर नहीं सकते, खंडित करने का कोई उपाय नहीं। जैसे एक बार एक आदमी गाड़ी तो मैकेनिक बुलाया और मैकेनिक अंदर से इंडिकेटर ठीक करने लगा, और वो पूछता है मालिक से, क्यों भाई इंडिकेटर जल रहा है कि बुझ रहा है? और वो इतना सजग था, इतना जागरूक था, इतना होश में था कि जब जले कहते जल गया, बुझे तो बुझ गया, जल रहा बुझ रहा, जल रहा बुझ रहा, जल रहा बुझ रहा, इंडिकेटर जैसे जले बुझे उसी साथ बोले जला बुझा, जला बुझा, जल रहा, जला बुझा, जला बुझा, जला। बड़ी परेशान कि भाई एक बार बताओ ना कि जल रहा है बुझ रहा है, क्या बता रहा है, ठीक ठीक क्यों नहीं बताता? मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूं, इसके अलावा ठीक बताने का कोई उपाय नहीं। अगर मैं कह दूं जल रहा है तो महाराज इंडिकेटर कहां पे तो बल्ब हो गया, और कभी बुझ गया है तो कुछ नहीं बचा, बुझा हुआ ना बल्ब है ना इंडिकेटर, दोनों चीजें खत्म।
उसका स्वभाव जलना बजना इसी का नाम इंडिकेटर है। अगर खाली जल जाए तो इंडिकेटर नहीं, बुझ जाए तो इंडिकेटर नहीं, जलना बजना उसका स्वभाव है, दोनों उसी का नाम इंडिकेटर। इस तरह परमात्मा भीतर भी है बाहर भी है, चलता भी है स्थिर भी है, और चलता भी है स्थिर भी है, भीतर भी बाहर भी है, दूर भी है पास भी है। जैसे सागर नदियां चलती हैं, पानी बहता है, अब सागर कहीं लहरें चलती हैं, कहीं शांत रहता है, और चलती ऊपरी पटल नीचे तो अगाध असीम भरा पड़ा। अगर सागर पहुंचा जाए कि तुम चल रहे हो कि शांत हो, चल रहे हो कि शांत, अब सागर क्या बताए, सागर चलना भी उसी में है, शांति भी, सब कुछ उसी में हो रहा है। अगर वो कह रहे तो कहे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये तो कहेगा मैं चल भी रहा हूं, मैं शांत भी हूं, मैं बड़ा भी हूं, मैं ऊपर भी हूं भीतर भी हूं। ऐसा परमात्मा, वो परमात्मा कहा, भगवान ने कहा, वो कैसा परमात्मा है, बैरंतस्या भूतानाम चरम अचरम एव च, सारे भूत प्राणी को भीतर भी है बाहर भी है, जितने चरचर भूत प्राणी है, सूक्ष्मत्वा तद अभिज्ञेयम्, सूक्ष्म होने का अभिज्ञेय है। दूरस्थम चांत के तत्व, दूर से दूर है और पास से पास है, अज्ञानी के लिए दूर दूर है पास से पास है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं, रूप ऐसे भ्रम से छूटकर और अथ बायम अंतरम भावम, और बाह्य और अंदर के भाव से मुक्त होकर, बाहर और भीतर दो भाव जो बांट रखे हैं इनसे मुक्त हो जाए। भाव है बाहर भीतर दो भाग है नहीं, खाली भाव ऐसा हो गया, खाली बटा सा लगता है, बटा सा लगता, बट नहीं पाया बटा सा। जैसे पृथ्वी को लोग बांटते हैं, कहते ये कौन, ये तो भारत है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना हो गया, ये अमेरिका हो गया, ये रशिया हो गया, तमाम देश अलग अलग सीमाएं हैं, भारत अलग सीमा है, चाइना अलग है, भूटान अलग है, पाकिस्तान अलग है, सब देशों की सीमा अलग अलग है, इतने अलग अलग जो जमीन भारत की है, जो पाकिस्तान की है, चाइना की है, लेकिन क्या पृथ्वी बट गई है, पृथ्वी क्या टुकड़े कर दिए गए हैं, अरे भाई ऊपर ज्यादा ज्यादा बॉर्ड लगा दी गई होगी, दीवार लगा दी होगी, खाई खोद दी होगी, 10-5 फुट गहरे, कोई अलग बट गई, कभी बट भाई बटती है नहीं, पृथ्वी भी बटी मैंने सुना है और सागर ही बटा है, जो हिंद महासागर भारत का है वो फलाने का है, और आकाश ही बटा है कि हमारे आकाश के ऊपर दूसरा आदमी नहीं कर, सब बांटे बैठे, लेकिन बटा कुछ भी नहीं, कुछ बट सकता नहीं, कोई विभाज नहीं हो सकते, अविभाज्य है, इस परम सत्य का कोई विभाजन नहीं हुआ, कोई खंड नहीं हुए, अखंड है, अविभाज्य है, विभाग नहीं हुए। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, आवासम ब्रह्म मुक्त्वा अहम् आवासा इति ब्रह्म मुक्त्वा, मैं आवास रूप हूं ऐसे ब्रह्म से मुक्त होकर, अथवायम अंतरम भावम मुक्त्वा, और भीतर बाहर के भाव से मुक्त होकर, फिर क्या जाने, कुटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावया, आत्मा कैसा जाने, आत्मा को है, बोध स्वरूप है, अद्वैत है, ऐसा निश्चय करे, ऐसा विचार करे, ऐसा निर्णय करे। आत्मा कहती कूटस्थ, कूटस्थ किसे बोलते हैं, निहाय को बोलते हैं, जिस पर है, कुछ भी कूटो कूटता नहीं है, वो कभी कूटती नहीं, लोहार न्याय होती है और बड़े बड़े घन चलते हैं, हसिया बनाते हैं, छेनी बनाते हैं, खुरपी बनाते हैं, यंत्र बनाते हैं, गर्म करके मैंने अपने आंखों देखा है, तो एक आदमी पकड़ता सरसी से एक ऊपर घन से कुटाई करता, बहुत घन चलते धनक, कितने घन से कुटाई की जाए, वो चीज कितनी कुट जाए, लेकिन ना तो निहाय कुटती, निहाय जैसी चीज कितने होती, जो लोहार निहाय होती है वो कभी कुटती नहीं। इसी तरह परमात्मा कुटस्थ है, निहाय इतनी ठोस होती है, इतनी भरी होती है, उसके भीतर कुछ घुसते नहीं, परमात्मा इतना कुटस्थ है, कुटा भरा पड़ा है, दूसरे को प्रवेश करने की जगह नहीं, इसमें दूसरा प्रवेश कर नहीं सकता, परमात्मा इस संसार में इतना कुटा इतना भरा पड़ा है, दूसरी वस्तु का कोई प्रवेश नहीं, कोई एंट्रेंस नहीं, परमात्मा ही परमात्मा, कुटा परिपूर्ण ओतप्रोत अगाध असीम अनंत,
आपका भी संसार ये कहां से आ गया? आप कहीं गए नहीं, वो परमात्मा है, उसको सत्य ना देखो, संसार जैसे लगता है। कुटस्थम, आत्मा कैसा जानो? कुटस्थ है, बड़ी बड़ी पूर्ण और बोधम, बोध स्वरूप है आत्मा। कैसी है? बोध स्वरूप है आत्मा। ज्ञान करा दो, आत्मा बोध करा दो, वो कहते आत्मा है ही बोध स्वरूप, उसका स्वरूप ही बोध है। ये तो ऐसे समझ लो जैसे लोग कहते आग जला दो, भाई रोटी बनाने जरा आग लगा जला दो, ठंड लग रही जला आग जला दो। आग जलाने वाली बात कही जाती, हम अगर आप पूछे तुमने कभी आग जलाई है, आपको हाँ खूब जलाई, खूब जलाई है, सर्दी में जलाई, चूल्हे में जलाई, फलाने में जलाई, लेकिन आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। आग जलाने वाली बात गलत बोल रहे हो। आग जलाना, आग आप जला सकते हो। अगर हम आपके सामने आग का अंगारा रख दें, ते पत्थर को की आग हो, बड़ा अंगारा, कंडे का लकड़ी, बड़ा अंगारा, कैसे जरा जला दो, जलाओ तो कैसे जलाओगे? जलाने का काम तो केवल आग करती, और कुछ करती है नहीं, और किसी में तो उपाय नहीं, उसे जलाओ, बुझा भले दे जलाओ। तो उस आग में कितनी बड़ी आग ढेर लगा दो, आगम डाल दो कि हम आग जला दें, ये पत्थर कोयले अंगारा जैसा आग है, इसको जलाना बड़ी भट्टी में डाल दो तो जल जाएगा। आग जलाना कहा जाता, आग जलाई नहीं जाती। आग जलाओ कहने गलत है। आग क्या जलाओ? आग जलाओ क्या? जैसे आग को जलाना कहना गलत है, तो आत्मा को जानना कहना गलत है। आत्मा है बोध स्वरूप, आत्मा बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जैसे आग, अगर आग है तो जलाने की जरूरत नहीं। आग प्रकट की जा सकती है कि लकड़ी में, कोयले में, उसको प्रकट करो। आग के स्पर्श करने से प्रकट हो सकती है, घर्षण से भी। पहले लोग हवन करते थे आरणी मंत्र, एक लकड़ी की मथानी बनाते थे, एक नीचे रखते थे, फिर रस्सी से खींचते थे, अरणी मंत्र करके आग प्रकट होती। ऐसे हवन में आग नहीं रखते थे, कहते हैं अग्नि अरणी मंत्र करके करके प्रकट, अरणी मंत्र करके आग प्रकट की जाती है। तो प्रकट कर दी गई, आग जलाई नहीं गई, पैदा की प्रकट हो गई थी। आप जलाना उसे कहें तो कह लें। इस तरह आत्मा को जानना बोध, कहते बोध नहीं, उसका है बोध स्वरूप, उसका स्वरूप ही ज्ञान। आत्मा को जानना नहीं है, आत्मा को जानोगे तो कैसे जानोगे? आग जलाओगे तो कैसे जलाओगे? क्योंकि आग सिवा जलाने वाली कोई चीज है ही नहीं। नाक से, मन से, बुद्धि से कैसे जानोगे? इनमें कोई ज्ञान है ही नहीं। आत्मा बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा स्वरूप क्या? आत्मा स्वरूप ज्ञान, 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 ज्ञान अखंड, एक सीतावर, एक रस ज्ञान है। सच्ची बात तो है कि आत्मा को जानने की जरूरत नहीं। असल में जो जान रहा है, जो ज्ञान है, वो ही आत्मा स्वरूप है। जैसे आग को जलाना नहीं पड़ता है, आग जलती है, आत्मा जानना नहीं पड़ता, जान रही है। जो ज्ञान सब में मौजूद है, ज्ञान रूप से मौजूद, उसी का नाम आत्मा है। आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, इसलिए जगत ज्ञान होता पक्ष, देवी देवता स्वर्ग नरक परोक्ष, ब्रह्म ज्ञान अपरोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? आप कहते मैंने अपने आंख से देखा था, ये घूम रहा था पार्क, हमने अपने कान सुना था, ये गाली पकड़ा था, हमने हाथ लगा के देखा था चाय ठंडी हो गई, वो पीने लायक नहीं, अरे हमने सब्जी चख के देखा नमक भरा पड़ा, प्रत्यक्ष सीधा देखा गया, इसमें कुछ ज्यादा नहीं। अरे तुमने मैंने खा के देखा, कैसे कह सकता नमक ज्यादा नहीं, अंदाज थोड़ी लगा रहे, अपने हाथ लगा के देखा, चाय गर्म नहीं है, ठंडी हो गई, प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरा परोक्ष ज्ञान, जैसे देवी देवता, स्वर्ग नरक, अगर आप पूछते कि स्वर्ग नरक देवी देवता को आप मानते हो, कहते हाँ महाराज मानते, स्वर्ग भी होता नरक भी होता, देवी होते देवता होते, हम पूछे आपने देखा है स्वर्ग? देखा कहोगे नहीं, नरक देखा कहते नहीं, देवी देवता कहते नहीं, अरे भूत प्रेत भी नहीं देखे,
तुम के फिर तुम मानते कैसे हो? स्वर्ग नरक देवी देवता भूत प्रेत मानते कैसे हो? कहते शास्त्र में लिखा है इसलिए मानते हैं, वेदों में लिखा है, भगवान की गीता में लिखा है, और वेदों हमारे शास्त्रों में कभी गलत नहीं लिखा होता। जो प्रस्थान रही है, प्रस्थान करने के तीन रास्ते हैं, वो कभी उसमें गलत नहीं होता, उनमें सही होता, हमें भरोसा है, तो इनमें लिखा हुआ है इसलिए मानता। माने ये ज्ञान तुम्हारा श्रद्धा विश्वास बल पर टिका हो। इस पर संतों पर, ग्रंथों पर, शास्त्रों पर, वेदों भरोसा है, इसलिए तुमने मान लिया कि हाँ देवी देवता सुर नरक होते हैं। अगर कोई ग्रंथों को, संतों को, गुरु ना माने तो खेल खत्म। कई लोगों से सुर नरक होता नहीं, देवी देवता होते, सब बकवास है। ये परोक्ष ज्ञान। तीसरा अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान क्या होता? सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग। अपरोक्ष ज्ञान का सीधा अनुभव। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? अनुभूति ज्ञान। जैसे तुम्हारे दर्द हो रहा हो, तुम्हारे दर्द हो रहा हो, अब उस दर्द को हम पूछें जरा, तुम्हारे पेट में दर्द, दाढ़ में दर्द, सर में दर्द, बड़ा भयंकर दर्द, कड़ा तड़प रहे, बेचैन हो रहे, हम पूछे दर्द ये बताओ जरा कितने वजन का है? 1 किलो, आधा किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम? कैसी बातें करते हो? दर्द को वजन होता? वजन नहीं बता सकते। अच्छा लंबाई चौड़ाई बताओ, 1 इंच, 2 इंच, 1 फुट, 1.5 फुट, कैसा उसका लंबाई चौड़ाई भी नहीं। अच्छा रंग बताओ, लाल मिला, लाल है कि नीला है, पीला, खट्टा, लाल पीला नीला, रंग भी नहीं बता सकते। स्वाद बताओ, खट्टा मीठा तीखा, वो भी नहीं। तुमने अपने आप से देखा कि देखा भी नहीं, हमें देखा था तो आपको दिखा भी नहीं सकते, तो हम कहते तुम्हारे दर्द नहीं है। जब दर्द का कोई रंग नहीं है, तुम दिखा नहीं सकते हो, स्वाद नहीं उसका ले सकते हो, सुन नहीं सकते हो उसको, कोई आवाज ही करता हो, तुम दर्द नहीं है, देखा तुमने? कहते नहीं, दिखा सकते हो? नहीं, हम कहते दर्द नहीं है, तो आपके जो है, हम कहते जब तुम कोई प्रमाण सबूत नहीं, कैसे मान ले दर्द? तुमके प्रमाण स्वरूप दे पाए ना दे पाए, लेकिन दर्द है, हमारे पास कोई प्रमाण सबूत ना हो, दर्द है। अच्छा कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, सिविल सर्जन, अब पूरा चेकअप करने के बाद और रिपोर्ट लिख दे कि तुम्हारे दर्द नहीं है, तो मान लोगे ना? इतना बड़ा डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है, मान लोगे? कहते डॉक्टर इस स्थिति में हो रहा, उसको कहां ले जाऊं, हमें किसी प्रमाण सबूत जरूरत नहीं, हो रहा है। और तुम्हारे गुरुजी कहें कि मान लो दर्द नहीं है, तुम कहते गुरुजी ये ज्ञान तुम्हारा ठीक है ना, हो रहा मैं कहां ले जाऊं? वो अप्रोक्ष है, किसी प्रमाण जरूरत नहीं, अप्रोक्ष दर्द है, दुख है, दिखाओ दुख कहां बैठा, चिंता है कहां है, अनुभव, अनुभूति ज्ञान। इसी तरह से आत्मा अप्रोक्ष है, आत्मा स्वरूप ज्ञान अप्रोक्ष है, तो उसके लिए किसी की जरूरत नहीं, अप्रोक्ष। इसलिए का कूटस्थम बोधम, आत्मा कूटस्थ है, परिपूर्ण है, बोध स्वरूप है, और अद्वैतम, आत्मा अद्वैत है, अद्वैत माने दो नहीं, अद्वैत माने एक नहीं होता, एक होता है, अनेक होता है, अद्वैत होता है। अनेक करते भोगी, एक करते योगी, लेकिन ब्रह्म वेता न एक करता न अनेक करता, एक और अनेक दोनों में अपने अस्तित्व को देखता है। अनेक अनेक का भी अस्तित्व नहीं, एक का अस्तित्व नहीं, अस्तित्व का ही अस्तित्व है अनेक। जैसे सौकार एक नोट है, एक जगह सौ के अनेक, अब एक के सिक्के ले लो सौ के तो इतना वजन हो जाए, एक जगह खाली सौ का एक नोट है, एक जगह एक एक सौ नोट मान ले या सिक्के मान लो, कुछ भी, एक जगह पर एक है, एक जगह पर अनेक है। एक नोट सौ का है, 50-50 दो हों, 20-20 के 5 हों, 10-10 के 10 हों, 5-5 के 20 हों, 2-2 के 50 हों, 1-1 100, इतने अलग अलग। लेकिन बाजार में सौदा लेने गए, कोई वस्तु लेने गए तो 100 रुपए के तुम जो चीज लाते हो, अब एक एक सौदे ज्यादा मिल जाएगा क्या तुमको? इसने एक ही नोट दिया, मैं तो 100 नोट दे रहा हूं, मैं तो 50 दे रहा, 20 दे रहा, 10 दे रहा, तुम ज्यादा दे? वो कहते नहीं, वैल्यू तो बराबर है, भले गिनती में ज्यादा कम हो लेकिन वैल्यू तो उतनी है, कीमत उतनी है, एक जैसा लगे तब भी वो है
अनेक देश अलग है वो भी है, न एक का अस्तित्व न अनेक का अस्तित्व, अस्तित्व अस्तित्व का है। दुकानदार कहते हैं मैं सौ की वैल्यूएशन देखता हूँ, गिनती विनती से कोई मतलब नहीं, एक ले आओ जो दस ले आओ, सौ की कीमत चाहिए। इसी तरह अस्तित्व अस्तित्व है, अनेक करते भोगी एक करते योगी, ब्रह्म बेता अनेक करता है न एक करता है, अस्तित्व को देखता है अस्तित्व बेता। एक और अनेक दोनों उस अस्तित्व की प्रक्रिया है, अस्तित्व परम सत्य है। अष्टावक्र कहते हैं कोटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभाव है, मैं कोटस्थ हूँ बोध स्वरूप हूँ, अद्वैत से अपने आत्म तत्व का विचार कर आसवम भयम मुक्त्वा मैं आवास रूप हूँ, अहम आवास इति भ्रम मुक्त्वा मैं आवास हूँ इसे भ्रम से मुक्त होकर, अथ भयम अंतरम भावम और बाहर अंदर के भाव से मुक्त होकर कोटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभाव है, मैं कोटस्थ हूँ बोध स्वरूप हूँ ऐसा आत्म स्वरूप हूँ ऐसा बोध प्राप्त कर चर्चा फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सत सनातन धर्म की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।